हाय एवरीवन, आज बनाने जा रही हूँ मैं मैक्रोनी जो मैंने बॉईल करके रखी है। बॉईल किए हुए कॉर्न है यहाँ पर, बटर है मेरे पास, चिली फ्लेक्स है और ये है मेरे पास लहसुन, नमक और इसके साथ है कटे हुए प्याज और थोड़ा सा है मैदा और दूध। कढ़ाई में गरम तेल में मैंने डाल दिया है लहसुन, थोड़ा सा लहसुन पकते ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी प्याज और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, धीरे धीरे भूनना है। जब भी आपको लगे भुन गया है तब आप इसमें डाल दीजिए बॉईल किए हुए कॉर्न्स, इनको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और सब सामान निकालने के बाद कढ़ाई में डाल दीजिए बटर। बटर में हमारा पहले से भुना हुआ सारा मसाला डालना है और धीरे धीरे इसको फिर मिक्स करना है। इसमें चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो आएगा और इसके साथ आप नमक भी डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। और ये मैदा और दूध का मिक्सचर है, इसमें थोड़ा कम रह गया लेकिन आप एक कटोरी पूरा दूध डाल सकते हैं, दूध और मैदा मिक्स करके। और जब वो रेडी हो जाए तो आप उसमें बॉईल करी हुई मैक्रोनी डाल दीजिए, जितनी मैक्रोनी आपको चाहिए आप उतनी डाल सकते हो और फिर इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। मेरे पास है चीज़ जो मैंने कद्दूकस से कस कर इसके ऊपर डाल दी है, दो पीस मेरे पास चीज़ के थे, मैंने दोनों पीस डाल दिए हैं और ये हमारी वेजी मैक्रोनी रेडी हो गई है जो सबसे पहले अंश को मिली है खाने के लिए। और अंश हमें कह रहा है दूर रहिए मैं ही खाऊंगा, और अब ये पहला निवाला जा रहा है अंश के मुँह में। चलिए पास हो गई यहाँ पर हमारी मैक्रोनी। सेकंड नंबर आया हमारे तन्मय का, इसकी नौटंकी तो खाने से पहले ही शुरू हो गई है लेकिन फिर भी इसने ली और अब ये गई। और वाह, आप भी ट्राई कीजिए मस्त मैक्रोनी।